हेलो गाइज, मेरा नाम है भरत और हमारे सामने खड़ा है अशोक लीलैंड का 1915 HE जो कि आप सामने देख सकते हैं। 6 चक्कों का ये ट्रक है जो कि 20 एंड 22 फीट की बॉडी के साथ में आता है। आज मैं आपको इस वीडियो में अशोक लीलैंड के इस 1915 6 चक्कों के ट्रक की पूरी डिटेल दूंगा। इसके इंजन, फीचर, इंटीरियर, एक्सटीरियर वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये 2023 मॉडल का अशोक लीलैंड 1915 HE हमारे सामने खड़ा हुआ है। अगर आप भी जोधपुर राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं और अशोक लीलैंड के कोई भी बस या ट्रक को लेना चाहते हैं, इसमें आपको अशोक लीलैंड लिखा मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप से लिखा गया है। और यहाँ पे आपको अशोक लीलैंड का काफ़ी बड़ा लोगो मिलेगा जो कि गोल शेप में यहाँ पे दिया गया है। और यह है सामने की लुक 1915 HE की। 6 चक्कों का यह ट्रक है जो कि 20 एंड 22 फीट की बॉडी के साथ में आता है। यह इसकी साइड से लुक पूरी फ्रेम में आपको दिख रही होगी। और इसमें आपको कुछ इस टाइप से चाबियाँ मिलती है जिसमें कि AdBlue के टैंक की और इस ट्रक की चाबियाँ मिलती है। और सामने की यह है लुक, सामने आपको लोहे का बम्पर मिलता है कुछ इस टाइप से, पूरा लोहे का आपको बम्पर दिया गया है। और नीचे आपको इसमें इंजन मिलेगा, आगे मैं आपको इंजन की भी डिटेल दूंगा। और नीचे भी आपको ब्लैक कलर में ये देख सकते हैं सेफ्टी गार्ड टाइप में बम्पर दिया गया है जिससे कि सामने से कोई व्हीकल का इम्पैक्ट होता है तो इसके नीचे व्हीकल नहीं जावे। सेफ्टी वाइज अशोक लीलैंड ने यह नीचे ब्लैक कलर का एक और बम्पर दिया है। और यह इस साइड की लुक काफ़ी लंबी, मतलब इसकी लेंथ है आप देख सकते हैं, लंबाई 6 चक्कों का ये ट्रक है। और इसके टायर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े टायर दिए गए हैं जो कि कुछ इस टाइप से हैं। 255/90 आर 20 इंच के आपको टायर मिलेंगे। और यह है फ्रंट का टायर और इसके नीचे इसका इंजन लगा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले आपको इसके इंजन की डिटेल दे देता हूँ। इसमें आपको 3839 cc का 4 सिलेंडर का डीजल इंजन मिलता है जो कि आपको देता है 150 HP की पावर और 400 Nm के अराउंड टॉर्क देता है। काफ़ी पावरफुल इसमें इंजन लगा हुआ है। और माइलेज भी ये ट्रक आपको काफ़ी अच्छा दे देता है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और ये इसकी साइड की लुक, साइड में भी इसमें गार्ड दिया हुआ है कुछ इस टाइप से ब्लैक कलर का जो कि इसके फ्यूल टैंक की सेफ्टी को बरकरार रखता है। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है काफ़ी बड़ा जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कितने लीटर का आपको फ्यूल का टैंक दिया गया है। और यहाँ पर आपको AdBlue का टैंक दिया गया है और ये आपको यहाँ पर बम्पर दिया गया है। और साइड में आपको छोटा सा यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे इसका इंजन लगा हुआ है 3839 cc का 4 सिलेंडर का कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिए गए हैं जो कि हैलोजन बेस है। और यहाँ पे आपको 1915 HE की ब्रांडिंग मिलेगी। और यहाँ पे आपको छोटा सा मिरर दिया गया है और ऊपर आपको आउटसाइड मिरर मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से। और मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको इसमें चढ़ना होगा, काफ़ी वाइड इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन होता है। अभी मैं आपको इसके कैबिन की लुक दिखा देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं अशोक लीलैंड 1915। यहाँ से आपको पकड़कर अंदर चढ़ना होगा, कुछ इस टाइप से अंदर की लुक दी गई है, कुछ इस टाइप से। ये इसकी स्टीयरिंग व्हील जो कि ब्लैक कलर में दी गई है। और इसके आपको ऊपर आपको अशोक लीलैंड का लोगो मिलेगा, क्रोम में आपको अशोक लीलैंड का लोगो दिया गया है। और यह इसका मीटर, इसका मीटर मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से इसमें आपको मीटर मिलेगा अशोक लीलैंड 1915 में। इसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और बीच में आपको काफ़ी बड़ी MID दी गई है। और इसमें आपको फ्यूल का गेज और टेम्परेचर का गेज भी दिया गया है और भी सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होती है। मैं आपको ऑफ करके एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से ये ऑन होता है, सुइयाँ ऊपर तक चढ़ती है और ऊपर आपको सभी वार्निंग मिल जाती है जो कि आप देख रहे होंगे। और इसमें आपको AC का ब्लोअर मिल जाता है कुछ इस टाइप से, मतलब ये दिए गए हैं AC का ब्लोअर दिया गया है। और यहाँ पे आपको 1000 lamp की स्विच मिल जाती है कुछ इस टाइप है। और हेडलैम्प का आपको लेवल दिया गया है और भी आपको यहाँ पे काफ़ी मोड मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे हैंड ब्रेक मिल जाती है। और ये इसका गेयर बॉक्स, इसमें आपको 6 speed का गेयर बॉक्स दिया गया है, एक आपको रिवर्स का मोड मिलेगा। और ये इसका अंदर का इंटीरियर, यहाँ पे आपको लॉकेबल एक ग्लो बॉक्स मिल जाता है। और यहाँ पे ऊपर आपको एक मिरर मिलता है, मतलब बाहर विंडशील्ड के बाहर जो कि आपको नीचे का दिखाता है। बहुत से ट्रकों में ये मिलता है, आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से आपको नीचे का दिखता है। और ड्राइवर के लिए आपको कुछ इस टाइप से काफ़ी बड़ा सन वाइजर दिया गया है। और यहाँ पे ऊपर आपको रूफ में एक लैंप मिल जाती है कुछ इस टाइप से जो कि LED में दी गई है जो कि रात में केबिन को काफ़ी उजाला देती है। और यहाँ पर आपको रियर में एक सीट मिल जाती है, मतलब पूरी लंबी जिसमें कि ड्राइवर आराम से सो सकता है। और ये ड्राइवर के साइड में एक को ड्राइवर की सीट दी गई है और ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए दोनों के लिए सीट बेल्ट मिल जाते हैं
पर अशोक लैंड भी सेफ्टी का काफी ध्यान रखती है अपने कस्टमर का, और 80 की इसकी टॉप स्पीड है। ऊपर आपको ग्रैब रेल मिल जाते हैं और मैनुअली आपको विंडो के कंट्रोल मिलेंगे। और ये इसका डैशबोर्ड, और यहाँ पे आपको USB में चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है जिससे कि ड्राइवर अपना फोन आसानी से चार्ज में डाल सके। अभी मैं आपको इसके इंजन की साउंड सुना देता हूँ। यह अशोक लेलैंड 1915 स्टार्ट हो गया है, आप इसके इंजन की साउंड सुन सकते हैं। यहाँ पे इसका 3839 cc का 4 सिलेंडर का डीजल इंजन दिया गया है। कुछ इस टाइप से इसमें आपको स्टेयरिंग व्हील मिलती है। और की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको इसमें चाबियां मिलेगी, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। ये इसकी सामने की लुक अशोक लेलैंड 1915। अभी मैं आपको रियर से इसके बॉडी को दिखा देता हूँ, मतलब इसके कार्गो बॉक्स को। इसके टोटल वेट की बात करें, मतलब ग्रॉस व्हीकल वेट, तो आपको 18,500 kg इसका ग्रॉस व्हीकल वेट मिलेगा अशोक लेलैंड 1915 का। और पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 11.5 से 12 टन, मतलब 11.5 टन से लगाकर 12 टन तक इसकी लोडिंग कैपेसिटी है। 18,500 kg इसकी ग्रॉस व्हीकल वेट है, मतलब इस ट्रक का टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट 18,500 kg है। और ये इसका रियर का कार्गो बॉक्स, और रियर की लुक, इसमें आपको कुछ इस टाइप से रियर की लुक दी गई है। LED में आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं और लाइटें मिल जाती है, और हिंदुजा ग्रुप लिखा गया है। और रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा, और उधर आपको चौथा दिया गया है। और रियर में भी अशोक लेलैंड ने ये गार्ड दिया है, मतलब सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा है। अभी मैं आपको अंदर से इसके दिखा देता हूँ। यह इसका अंदर से लुक 20 और 22 फीट में आप चाहे तो ले सकते हैं। 11.5 टन से 12 टन तक इसकी लोडिंग कैपेसिटी है अशोक लेलैंड 1915 की। और नीचे से लुक की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको लुक दिया गया। यह है नीचे का एक्सल, और यह है रियर के टायर। और उस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। और यह इसकी इस साइड से लुक, इस साइड में आपको एक साइड की बैटरी मिलेगी जो कि यहाँ पे नीचे प्लेस की गई है। कुछ इस टाइप से काफ़ी बड़ी आपको बैटरी मिल जाती है। और इंजन इसका ये है, और यहाँ पे आपको ब्रेक के गैस के सिलेंडर मिल जाते हैं, और स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे दिया गया है। 6 चक्कों का ये अशोक लेलैंड का ट्रक है। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। अगर आप भी जोधपुर से देख रहे हैं और आप अशोक लेलैंड का कोई भी ट्रक लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे सेल्स मैनेजर के, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनके सामने मेरा नाम लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना।